बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से वो भी जो है जीटी रोड की तरफ बढ़ चुके हैं। सुरेश कोत भी जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किसान नेता सुरेश कोत। कोत साहब, क्या फैसला लिया गया फिलहाल? रोड के ऊपर बैठेंगे भाई, रोड के ऊपर बैठेंगे। प्रशासन के साथ बातचीत हुई उसमें क्या रहा? प्रशासन हमारे साथ धोखा कर रहा है, प्रशासन हमारे साथ धोखा कर रहा है। ये बैठो, अगर आज भी लाठीचार्ज होता है या कुछ और होता है तो देखेंगे। देखिए सुरेश कोत, किसान नेता सुरेश कोत, प्रशासन बार बार क्षमा मांग करके बात का ड्रामा कर रहा है, जबकि हम बार बार उनको समय दे रहे कि भाई ये हम उदाहरण करिए, हम कोई किसी की कुर्सी नहीं मांग रहे, MSP मांग रहे ना। उसके साथ मनोहर लाल खट्टर करनाल बुला करके हेलीकॉप्टर में चलिए, मजाक बना रखा किसानों का। जीटी रोड जाम कर दिया, आज क्या कहेंगे? ये सरकार ने करवाया, हमने नहीं किया, सरकार ने करवाया, उसकी जिम्मेवारी। तो मनसा क्या है, सरकार की मनसा क्या लग रही है कोच साहब आपको? क्या सरकार की मनसा सही नहीं है, सरकार की मनसा सही नहीं। किसानों का बहकाने के पीछे क्या हो सकता है, क्या चाहते हैं सरकार? क्या चाहते हैं किसानों को बहकाने के पीछे सरकार की क्या मनसा है? सरकार हमारे को बेवकूफ समझती और बात करके वोटें वगैरह ले जाती है। ये जाम कब तक रहेगा? जाम तक रहेगा या जाम जब तक किसानों की बात मानी नहीं जाता? निश्चित काल के लिए निश्चित हाईकोर्ट की बातों को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे हाईकोर्ट क्या फैसला, देखी जाएगी भाई। हाईकोर्ट जेल में भेजता था, मौत के ऑर्डर दे दिया हाईकोर्ट। मैं प्रार्थना करता हूँ मौत के ऑर्डर दे, क्योंकि ये सरकार हमारे को जो MSP नहीं दे सकती, बताइए इस देश में जीने का फिर। आम पब्लिक ही आ रही, आम पब्लिक की है सूर्यमुखी, ना तेरी ना मेरी, आम पब्लिक की होगी। वहाँ सरकार जिम्मेवार है ना। दिल्ली चंडीगढ़ यानी सबका बड़ा तो आई हुआ, किसानों ने काम कर दिया। तस्वीरों में देख पा रहे हैं भाई किस प्रकार से जो है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया गया है। जहाँ की लोकेशन देखे स्थानीय हाईवे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो फैसला लिया गया है हाईवे जाम करने का, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप देख सकते हो कितनी जनसंख्या किसानों की यहाँ पर है। सारे किसान जो हाईवे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आप और भाई नेटवर्क बंद कर दिया गया है, यहाँ नेट बंद कर दिया गया है। भाई देख पा रहे हो आप किस प्रकार से जो है चंडीगढ़ का, दिल्ली चंडीगढ़ का जो हाईवे है उसके ऊपर किसान चढ़ चुके हैं और उसको जो है दोबारा से आज ब्लॉक करने के लिए किसान निकल चुके हैं। क्या आज प्रशासन को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन का फिलहाल तक कोई भी एक्शन अभी तक नहीं देख पा रहा। जहां तक आप पीछे तस्वीरें देखोगे, लाखों नहीं भाई, काफी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, आज कई लाख लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आज कोई बड़ा मामला फिर दोबारा हो सकता है। कुरुक्षेत्र पीपली की तस्वीरें आप मेरे साथ देख पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भाई।